यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान अपने बयान को लेकर एक बार फिर से विवादों में है। इस बार आजम खान किसी सियासी मसले पर नहीं बल्कि बलात्कार पीड़ित को लेकर सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान के चलते विवादों में हैं। दरअसल आजम खान कानपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, तभी एक महिला ने अपने साथ हुए रेप के मामले में पुलिस की तरफ से सही कार्रवाई नहीं होने की शिकायत आजम खान से करनी चाहिए, लेकिन महिला के मुताबिक आजम खान ने उस वक्त उससे जो कहा वो बहुत शर्मनाक था। महिला के मुताबिक आजम खान ने उससे कहा कि अगर आप बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगी। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, आजम खान के पास गए तो उन्हें भी कोई सुनाई, वो तो और क्या कहते गंदे लफ्ज निकाल के उल्टा सीधा कहने कह रहे थे। अधिकारियों ने क्या मिलने नहीं दिया आजम? हाँ, आजम खान से मिलने नहीं दिया, और जब वहाँ से हम आ गए तो वो क्या कहते आजम खान भी एक दो लफ्ज उन्होंने ऐसा गंदा बोला कि अब आपको लगता है कि आप दोबारा आजम खान के पास शिकायत लेके आप नहीं जा सकते उनके पास क्योंकि हमें वो सही नहीं लगे। नहीं, मंत्री जी नहीं सही लगे, मंत्री जी की जो जो उन्होंने भाषा बोली है उनकी भाषा जो बोली वो नहीं सही लगी हमें। तो महिला का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनकी भाषा थी वो सही नहीं थी, वो अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंची थी कि पुलिसिया कार्रवाई इस मामले को लेकर जो कुछ हो रही है वो सही नहीं है। लेकिन एक बार फिर से आजम खान ने यहां पर एक विवादित बयान दिया है, उस महिला को आहत किया। आजम खान के उस विवादित बयान पर राजनीतिक दलों ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। सरकार के बयान देते क्यों हैं? इनको शर्म नहीं लगती कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का बयान देना कैसा है? अब क्या कहना कि किसी रेप विक्टिम को कहना उसे शोहरत मिलेगी, भाई ये अति आपत्तनीय है। और मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की बयानबाजी बंद हो। ऐसे लोगों को अपनी शक्लें छुपाने की, क्योंकि इस किस्म के बयान देकर आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं कि क्या आपके जो परिवार में या आपके जो जानने वालों में महिलाएं हैं उनकी इज्जत भी इसी तरह से होती है? और अगर आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता फेल है जो ऐसे नेताओं को बार बार चुन के गद्दी पर बिठाती है और उसके बाद हम उनको 5 साल तक 4 साल तक 3 साल तक इस किस्म के ऊल जलूल चीजें करते हुए देखते हैं।